हैं इस परिवार को नहीं अच्छे, मुलायम सिंह को जानते हैं ठीक से, लेकिन मुलायम सिंह के परिवार को ठीक से नहीं जानते हैं जी। और मुलायम सिंह जी के व्यक्तिगत कमजोरियों का जितना फायदा अमर सिंह ने उठाया है उतना फायदा शायद ही किसी और व्यक्ति ने कभी मुलायम सिंह के जीवन में उठाया हो। मुझे याद है कि जब अमर सिंह की पहली बार एंट्री हुई थी इस पार्टी के अंदर तो बेनी बॉम्बे में सम्मेलन था और बेनी प्रसाद वर्मा ने तंबू के अंदर से सामान निकाल के फेंक दिया था उनका और ये कहा था कि ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है रहने की, फाइव स्टार होटल में रहते हैं वहीं पर रहें, इनकी जरूरत नहीं है पार्टी के अंदर। लेकिन मुलायम सिंह का धीरे धीरे ट्रेन का सफर बढ़ते बढ़ते प्लेन में और चार्टर्ड प्लेन में धीरे धीरे जो शुरू हुआ उनका एक अलग तरह की दिशा में बढ़ गए वो। बाद में उनके कई लोगों के साथ नाम जुड़े नैतिक और अनैतिक तरीके से, जिसके लिए जिम्मेदार लोग अमर सिंह को ही मानते रहे। बाकी सवाल ये है कि अमर सिंह की जो भी राजनीतिक हैसियत है दल छोड़ने के बाद एक साल के अंदर अंदर वो सतह पे आ गई थी और लोगों को मालूम है कि वो कहाँ खड़े हैं और उनकी वाकई हैसियत क्या थी। अमर सिंह बेचैन थे, परेशान थे, किसी तरह से राज्यसभा मिले कहीं मिले लेकिन किसी भी पार्टी ने ना उनको लिया, बल्कि जयप्रदा की बात हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर और अमर सिंह जी भी कोशिश कर रहे थे मगर अमर सिंह जी को लिया नहीं पार्टी ने। उन्होंने ये कहा कि देखो आप जयप्रदा जी से कि आप आ जाओ लेकिन स्टेप नहीं लेके मत आओ, हम इस आदमी को नहीं ले सकते। बिल्कुल कोशिश कांग्रेस की भी, हाल में यहां तक बात पहुंची कि अजीत सिंह के दल से उनको चुनाव लड़ना पड़ा और जो उनको वोट मिले 5000 के अंदर अंदर दोनों लोगों को, उससे उनकी हैसियत का पता भी लगा कि देखिए आखिर इतने बड़े कद्दावर नेता जो दिखते हैं, इसलिए टीवी माध्यम नहीं है राजनीति का, राजनीति का माध्यम मुलायम सिंह जैसे लोग, मायावती जैसे लोग, जयललिता जैसे लोग जो कि जनता से जुड़े हुए, जिनका अपना वोट बैंक है जी। लेकिन ये जो परिस्थिति बनी है परिवार के अंदर कानाफूसी करने में, कान में फूकने में, झगड़ा कराने में, इसमें उनका रोल हो सकता है क्योंकि जहां जहां वो गए हैं परिवारों में झगड़े हुए हैं और पीठ पीछे जो वो बोलते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। जहां तक आप दीपक सिंघल की आप लोग बात कर रहे हैं, दीपक सिंघल से को अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने चुनाव जिताया, महाभ्रष्ट चुना है और इनको ऐसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को आपको चीफ सेक्रेटरी बनाने की जरूरत क्या है। सरकार अगर अखिलेश यादव की है तो चीफ सेक्रेटरी उनको बनाने दीजिए। आपने बनाया एपी सिंह को, आपने बनाया नीरा यादव को, आपने बनाया दीपक सिंघल को, अमर सिंह जी का हाथ था, अमर सिंह का भी हाथ रहा है, अमर सिंह ने बहुत मदद की है दीपक सिंघल की और दीपक सिंघल भी कहते हैं कि सरकार चलाने के अलावा, आईएएस के काम के अलावा मैं ऐसे सारे काम जानता हूं जिससे नेताजी खुश हो जाएं। वो क्या काम है वो दीपक सिंघल ही तब बताएंगे, लेकिन दीपक सिंघल ने ये बात मुझे खुद कहा है कई बार कि वो सारे तरीके मैं जानता हूं जिससे नेताजी खुश हो जाए, बस मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं घुस भर जाऊं एक बार। और वो बाकी मुख्यमंत्री कार्यालय का सचिव या प्रमुख सचिव, इसकी नियुक्ति आप नेताजी करेंगे, प्रमुख सचिव की नियुक्ति नेताजी करेंगे। तो अगर आप ये सारा कुछ आप ही करो, मुख्यमंत्री आप खुद क्यों नहीं बनते, आप मुख्यमंत्री बनके चलाओ सरकार। आप अगर कोई अपराधी मरता है उत्तर प्रदेश में, इनकाउंटर हो जाए, आपको तकलीफ होती है, अरे तो घर का आदमी चला गया, अगर वो चला गया घर का आदमी आपके, तो आप ये, आप जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं, अभी अमर सिंह की जो बाइट दिखा रहे थे आप लोग, उसमें उनकी बाइट ये थी कि अखिलेश और शिवपाल और राम गोपाल को मैं से ज्यादा मैं जानता हूँ, ये तरीका है बात करने का। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप एक वरिष्ठ मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, आप घर में जैसे भी बात करें, लेकिन अगर आप सार्वजनिक स्थल जगह पे बात कर रहे हैं आपका ये इस लहजे में बात करेंगे, आप अखिलेश बोलेंगे, आप शिवपाल बोलेंगे, जैसे लगता हो कि सब उनसे उम्र में छोटे, अमर सिंह से सारे लोग उम्र में बड़े हैं अखिलेश यादव जी को छोड़ करके, और अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी किसी बात से हम लोग भी असहमत हो सकते हैं, हम लोग भी शुरू शुरू में कहते थे कि भाई इनको अनुभव नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी परिवार के अंदर के झगड़े को क्यों देख रहे हैं, इसको ये सरकार के अंदर का झगड़ा है। अगर आप मुख्य सचिव किसी बेईमान को बनाओगे, दो करप्ट मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए आप इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दोगे, ये परिवार के अंदर एक तरह की लूट है और इस लूट में जो बाकी लोग शामिल हैं, जिनको कि मुख्यमंत्री अगर विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर कि आप क्यों इतना बवाल मचा रहे हो। और मुलायम सिंह जी के फैसले को तो सारे ही मानते हैं और उस फैसलों को लोग मानेंगे, लेकिन मुलायम सिंह के फैसले सही तो हों, मुलायम सिंह वही फैसले हमेशा लेते रहे हैं जिससे कि थोड़े बहुत अपराधी भी खुश रहे, थोड़े बहुत पार्टी के लोग भी खुश रहे, थोड़ा जातिवाद भी पनपे और एक खास वर्ग का और भी मतदाता भी खुश रहे। आप मुलायम सिंह ने कभी उत्तर प्रदेश के जनता के मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं किया है, नेता रहे वो, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ठीक से बात करते हैं, मगर अखिलेश यादव ने एक नई परंपरा के नए पढ़े लिखे लोग हैं उसमें से आते हैं, उनको बाकी जो मॉडर्नाइजेशन है पार्टी का, आप मुलायम सिंह को पूछिए कि क्या मुलायम सिंह को अंदाजा था कि ये सरकार बहुमत के साथ बनने वाली है। मुलायम सिंह खुद बैठ के जोड़ते थे कि 140 तो अगर 140 आने वाला था तो 212 जो हुआ है इसके लिए तो आप जिम्मेदार नहीं है, अखिलेश यादव की युवा छवि जिम्मेदार थी।